हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न युवा चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सबको आपके अपने चैनल लर्न युवा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है, के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों सेंटेंस की डिफिनेशन हमने इससे पहले वाले सेशन में भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ कुछ जानकारी के लिए आप लोगों को फिर से बता देते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो क्या करता है, ऐसा शब्दों के ऐसे समूह जो क्या करता हो, हमें कंप्लीट सेंस देता हो, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कह सकते हैं अमर इजा हुआ, अमर एक लड़का है, यह हमको क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। जैसे दूसरे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ये भी क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट आते हैं एसर्टिव सेंटेंस। कौन आते हैं? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है उसको हम डिफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस। क्या करता हो, वैसा सेंटेंस जो क्या करता हो, एक स्टेटमेंट देता हो या बनाता हो, उसे हम क्या करते हैं, एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद वर्ब आते हैं और लास्ट में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। इस तरह से एसर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसके स्ट्रक्चर भी यही होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, एसर्टिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो एसर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप साइन का यूज किया जाता है। कौन से साइन का यूज किया जाता है, फुल स्टॉप साइन का। फुल स्टॉप साइन कैसे होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं, फुल स्टॉप साइन इज यूज इन द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप साइन का यूज किया जाता है। कौन सेंटेंस में, एसर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स जानते हैं उसको क्या होते हैं, मिस्टर प्रसाद इज हेयर। मिस्टर प्रसाद कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ पे फुल स्टॉप है लास्ट में। ये हमको क्या है, ये कौन सा सेंटेंस हुआ था, एसर्टिव सेंटेंस हुए। वी रीड इंग्लिश, जैसे वी रीड इंग्लिश, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप लास्ट में ही, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है इसलिए इसके लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप साइन के यूज किए जाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में निगेटिव भी आ सकते हैं, जैसे मिस्टर प्रसाद इज नॉट हेयर, ये भी हम कह सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, फुल स्टॉप लास्ट में दिए जाते हैं, यदि उसका स्ट्रक्चर इस तरीका से हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं उसको, ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से भी हो, उसके लास्ट में भी क्या करते हैं, फुल स्टॉप साइन का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव के मतलब होते हैं क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिसमें हमको क्या करता हो, क्वेश्चन पूछा जाता हो, क्या करता हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के सेंटेंस भी क्या करते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट साइन होते हैं वे क्या होते हैं, इस तरह से दिए जाते हैं, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से साइन का यूज किया जाता है। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो दो तरीके से पूछा जाता है, एक होता है सिंपल क्वेश्चन और एक होते हैं डबल-एज क्वेश्चन। अब सिंपल क्वेश्चन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं सिंपल क्वेश्चन क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एंड वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो दो तरीका से पूछे जाते हैं,
सिंपल क्वेश्चन पूछा था यानी कि जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है, और एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन जिसका आंसर जिस तरह से दिया जाए दिखाएंगे आपको एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन कैसे होता है, सिंपल क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाता है दोस्तों ये होता है यस और नो, क्या होता है यस और नो, नो में उसका आंसर दिया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं इज ही इल, वो बीमार, क्या वो बीमार है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होते हैं, या तो कोई नाउन आएंगे या तो कोई एडजेक्टिव आएंगे या कोई भी दूसरा, उनकी यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का यदि यूज किया गया हो तो यहाँ पे कह सकते हैं मेन वर्ब का भी यूज हो सकता है सब्जेक्ट के बाद। जैसे आप एग्जाम्पल से देखेंगे और उसके लास्ट में क्या होता हो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का साइन हो, और उसमें अब भर में क्या आते हैं इज आते हैं, मतलब टू बी का फॉर्म जितना भी होता है जैसे इज वाज वेयर हैव हैज डू डज डिड हैड, इस तरह से उस शब्दों का यूज पहले क्या गया हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो और उसके बाद किसी नाउन का किसी एडजेक्टिव का या किसी वर्ब का यूज किया गया हो और उसके लास्ट में क्या हो क्वेश्चन का साइन हो, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे इज ही इल, इसका यूज पहले क्या गया यहाँ पे, तो इसका क्या वह बीमार है, इसका आंसर हम किस में देते हैं यस या नो में देते हैं, यदि वह बीमार है तो यस कहेंगे, यदि नहीं बीमार है तो उसको हम नो कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाता है वो किसमें दिया जाता है यस और नो में दिए जाते हैं। तो आप देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होते हैं, अब डब्ल्यू एच क्या है, डब्ल्यू एच क्यों दिखाया जाता है यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। डब्ल्यू से जो होते हैं वो क्वेश्चन एनालाइज किए जाते हैं, यानी कि डब्ल्यू का मतलब होता है व्हेन व्हेन व्हाई व्हाट व्हाट वेयर वेयर हूज, क्या होते हैं हूज विच 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 होम होम व्हाट व्हाट का यूज कर दिया हम, इस तरीका से क्या हो डब्ल्यू का फॉर्मेशन क्या होते हैं व्हेन होते हैं व्हाई व्हाट वेयर हूज विच होम, इस तरीका से ये सब क्या है डब्ल्यू के फॉर्म है, क्या है डब्ल्यू के फॉर्म है ये सब। और एच से क्या होते हैं, एच से जैसे हाउ, हाउ से जब स्टार्ट हो क्वेश्चन उसको बोलते हैं हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इस तरीका से क्या होता है डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया ये सब हो गए और एच का मतलब हाउ हो गए, ठीक है। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो कैसे, देखिए एग्जाम्पल से देखिए, जैसे डब्ल्यू से एच करते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, अब इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है, यदि आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू तुम कैसे हो तो उसका आंसर आप कैसे देते हैं आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल, उसको लास्ट में भी यदि हमको और कुछ कहना हो तो उसको बोलते हैं थैंक यू, ठीक है। इस तरीका से क्या डब्ल्यू एच क्वेश्चन का आंसर दिए जाते हैं। और यदि हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं देखिए दूसरे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, यदि मान आपसे कोई पूछता है व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, क्या होता है व्हाइट बोर्ड, ठीक है। इस तरीका से हम क्या करते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के आंसर देते हैं। चलिए देखते हैं अब पढ़ेंगे नेटिव सेंटेंस, दोनों में नेटिव सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चन में भी नेगेटिव का यूज किए जाते हैं और एसर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन नॉट के यूज इनकी नेटिव का यूज किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नेटिव सेंटेंस, इसमें नेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है ये भी जानेंगे, और कैसे हम पहचानेंगे नेटिव सेंटेंस को सेंटेंस में जो ये सेंटेंस नेटिव में है या एसर्टिव में, मतलब नेटिव में है या नहीं है ये भी हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेटिव सेंटेंस सबसे पहली बात, नेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सिंपल सी क्या किया जाता है नोट के यूज किए जाते हैं, नेटिव सेंटेंस में चाहे वो इंट्यूटिव सेंटेंस हो या एसर्टिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्यूटिव सेंटेंस हो या एसर्टिव सेंटेंस हो, यदि उस सेंटेंस में यदि कहीं पे भी नॉट का यूज किया गया हो तो वह नेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है।
अब कुछ ऐसे चीज है, कुछ ऐसे चीज भी होते हैं जो नेटिव सेंस देता है आपको, लेकिन वर्ड नेटिव वर्ड तो होते नहीं लेकिन नेटिव सेंस देते हैं, तभी वो नेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। जैसे देखिए नेटिव सेंस में क्या सब आते हैं, नो का, नन का, लिटिल का या फ्यू का, सेंटेंस में कहीं भी क्या गया हो, यानी कि ये सबको क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि तभी वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाएंगे। और कुछ ऐसे हैं, जैसे देखिए एडवर्ब में क्या सब आते हैं जो नेगेटिव होते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब में आते हैं आपको सेल्डम, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर, नेवर, रेयरली, रेयरली, और आते हैं इसमें एडीसी। जो भी एडवर्ब आएंगे यदि हमको नेगेटिव सेंस देता हो तो भी वो सेंटेंस क्या कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेल्डम, स्कार्सली, नेवर और रेयरली या हार्डली, और हार्डली भी होते हैं, हार्डली, टीडीसी। यदि इस तरीका, इस तरह से ये सब एडवर्ब जो है, एडवर्ब जो है, ये सब एडवर्ब जो है वो क्या देता हो, नेगेटिव सेंस देते हैं, क्या देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं, तो भी वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अगले, इससे नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ सेंटेंस चला गए हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। तो दोस्तों आप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भी अपने चैनल लर्न टू वर्क की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।